बिसमिल्लाम्स असल डियर स्टूडेंट्स आज मैं एक्सरसाइज ट्व पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर इलेवन करती हूँ मेयर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो थ्री रेशो टू एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ़ मेयर फिफ्टी सेवन डिग्री फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में हमें टू साइड्स हैं ठीक है थीके? उनकी रेशो कीवन है और वह कहते हैं उन टू साइड्स के जो दरमियान एंगल बन रहा है ना ठीक है वह हमारे पास क्या है फिफ्टी सेवन डिग्रीज है आप चाहें तो यहां पे ए बी साइड ले लें बी सी ले लें ले, या ए सी ले लें जो मर्जी लें ठीक है तो मैं यहां पे ना ए और बी साइड ले रही हूं लेट ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है अब हमें गिवन क्या है वो साइड्स नहीं गिवन उन साइड्स की रेश्यो गिवन है ठीक है एंड देव गिवन बाय ए रेशो बी इज इक्वल टू थ्री रेशो टू ठीक है ये आ गया थ्री रेशो टू अब इसको रेशो क्या होता है सिंपली मेरे पास डिवीन फॉर्म होती है ना तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बाय बी इज इक्वल टू थ्री बाय टू अब दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर फिफ्टी सेवन डिग्री ठीक है, an है degree, मतलब ए बी जिस तरह के देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल में बना रही हूँ सपोज कर लीजिए मेरे पास है साइड ए ये बी है ये सी है ठीक है तो ए बी साइड के दरमिया जो एंगल है ठीक है जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है फिफ्टी सेवन डिग्री क्लियर तो ये सी के ऑपोजिट आ रहा है ना यहाँ पे आपके पास एंगल आएगा गैमा ए के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है यहाँ पे एंगल आपके पास होगा एल्फा बी के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा बीटा ठीक है तो ए बी इंक्लूड कर रहे हैं ना एंगल को यहाँ पे जो इंक्लूड एंगल हो रहा है वो क्या हमारे पास गैमा होगा तो एंड Gamma is equal to 57 degree. क्लियर आप लोग अगर लेते हैं ना बी सी ठीक है यानी कि आप यहाँ पे लिख देते हैं बी रेशो सी इज इक्वल टू थ्री रेशो टू तो बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा होगा फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है अल्फा इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन डिग्री ठीक है और अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं ए और सी रेशो तो ए सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है बीटा बन रहा है तो फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे बीटा ठीक है बट मैंने यहाँ पे कौन से साइड लिए हैं ए और बी लिया तो ए बी के दरमियान एंगल कौन सा हमारे पास बन रहा है फिफ्टी सेवन डिग्री और वो हमारे पास है क्या गैमार क्लियर अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल 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 लिख लें या थ्योरम लिख लें ठीक है तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्या ए बाय बी है हमने क्या करना है जो नीचे वाली होती है ना न्योमिनेटर होता है ठीक है सॉरी डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर को हमने ऊपर वाली टर्म में ऐड भी करना और सब्टैक्ट भी करना तो मैं लिखती हूँ ए प्लस बी और डिवाइड कर देंगे ए माइनस बी अब ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स थ्री के इक्वल है प्लस बी क्या है हमारे पास टू के इक्वल है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए क्या हमारे पास थ्री और बी क्या टू थ्री माइनस टू तो यहां से हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ गया फाइव के इक्वल अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो फॉर एनी ट्रायंगल अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है उसके जो तमाम एंगल्स का सम है वो क्या होता है वन एट्टी डिग्रीज तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री अब हमें अल्फा बीटा गैमा में से किसकी वैल्यू की बना जस्ट गैमा की गैमा की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और गैमा की वैल्यू क्या है फिफ्टी सेवन डिग्री तो इसको मैं राइट साइड लेके आई माइनस फिफ्टी सेवन डिग्री आ गया इन दोनों को सब्टेक्ट करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा ट्वेंटी थ्री डिग्रीज इसको आप कह दें वन ठीक है अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने यहां पे लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट लॉ ऑफ टेंजेंट और स्टूडेंट्स लाफ टेंजेंट में हम लोग कौन से, से लेंगे जो हम साइड्स लिए ए और बी लिए ना उस वाला फार्मूला लिखते हैं वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू टेंजेंट देखें हमने ए लिया ए के ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा होता है अल्फा होता है अल्फा प्लस बी के ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा होता है बीटा डिवाइडेड बाई टू और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइव है यहाँ पे फाइव आ गया इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया वन ट्वेंटी थ्री डिग्रीज डिवाइडेड बाई टू और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है तो ये टेंज एल्फा माइनस बीटा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई टू अब ये टेंज एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू यूली टर्न मैं लेफ्ट साइड लेके जाती हूँ और फाइव इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स फाइव इधर आ गया डिनोमिनेटर में ऊपर क्या है टेंजेंट वन ट्वेंटी थ्री डिग्री को अगर हम लोग टू पे डिवाइड करें हम लोग देखते हैं क्या आंसर आएगा देखें वन ट्वेंटी थ्री डिग्रीज डिवाइडेड बाय टू तो ये आंसर आ गया सिक्सटी वन डिग्री एंड थर्टी मिनट्स तो यहाँ पे लिख देते हैं सिक्सटी वन डिग्री थर्टी मिनट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू इज़ इक्वल टू अब टेंजेंट सिक्सटी वन डिग्री थर्टी मिनट डिवाइडेड बाय टू इसको सॉल्व कर लेते हैं टेंजेंट का बटन प्रेस करेंगे दैन सिक्सटी वन और ये डिग्री के लिए दैन थर्टी मिनट के लिए अगेन यही बटन प्रेस किया ये आ गया वन पॉइंट एट फोर वन सेवन जीरो ठीक है मैं इसका ना पॉइंट के बाद फर्स्ट फोर डिजिट्स लिख लेती हूँ वन पॉइंट एट फोर वन सेवन डिवाइडेड बाय फाइव अब इस वैल्यू को हम लोग फाइव से डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय फाइव ये आ गया जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट थ्री टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट फोर अब यहाँ से जो टेंजेंट है इसको हम लोग राइट साइड लेके तो टेंजंट इन्वर्स हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट फोर अब इस वैल्यू का टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट टेंजेंट और फिर हम लोग प्रेस करते हैं यहाँ से पॉइंट थ्री सिक्स एट फोर ये आ गया हमारे पास ट्वेंटी पॉइंट टू टू ठीक है हमें एंगल चाहिए एंगल चाहिए मतलब कि डिग्री फॉर्म में यहाँ से डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे तो ये आ गया ट्वेंटी डिग्री थर्टीन मिनट्स एल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री थर्टीन तो, मिनट्स अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये टू डिवाइड हो रहा है इसको अगर मैं लेफ्ट राइट साइड लेके आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू अब इस वैल्यू को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया फोर्टी डिग्री एंड ट्वेंटी सिक्स मिनट इसको हम लोग कह रहे हैं टू पीछे भी हमने फाइंड किया ए प्लस बी या आ गया ए माइनस बी ठीक है तो वन और टू दोनों को ऐड कर देते हैं एडिंग वन एंड टू वन इक्वेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री डिग्री और सेकेंड इक्वेशन है एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स मिनट्स इन दोनों को ऐड करेंगे ये प्लस माइनस है ऑपोजिट है कैंसिल हो गए सो टू अल्फा इज़ इक्वल टू इन दोनों को ऐड करते हैं वन सिक्सटी थ्री डिग्री एंड ट्वेंटी सिक्स मिनट ठीक है minute, अब हमें एक्चुअली क्या चाहिए जस्ट अल्फा चाहिए यहाँ पे टू मल्टीप्लाई वाले टू को इधर डिवाइड कर देंगे तो अल्फा आ गया हमारे पास एट्टी वन डिग्री एंड फोर्टी थ्री मिनट अब हम लोग चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें अल्फा की वैल्यू या सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगी बीटा की वैल्यू तो मैं अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ नेक्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन वन इन वन ठीक है तो वन हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री ठीक है अल्फा की वैल्यू क्या स्वीडने आई है हमारे पास एटी वन डिग्री फोर्टी थ्री मिनट या आगे एट्टी वन डिग्री फोर्टी थ्री मिनट प्लस बीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री डिग्री ठीक है तो यहाँ से बीटा इज इक्वल हो गया वन ट्वेंटी थ्री डिग्री माइनस एट्टी वन डिग्री फोर्टी थ्री मिनट ठीक है इन दोनों वैल्यूज को अब हम लोग सब्टैक्ट कर देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ सब्टेक्ट करने से आंसर आया बीटा इज इक्वल टू फोर्टी वन डिग्री एंड सेवेंटीन मिनट तो हमने रिमेनिंग टू एंगल्स ही फाइंड करना था जो कि हमारे पास क्या था एल्फ़ा और बीटा सो दिस इम्प्लाइज एल्फ़ा इज इक्वल टू एट्टी वन डिग्री एंड फोर्टी थ्री मिनट एंड हेयर बीटा इज इक्वल टू फोर्टी वन डिग्री एंड सेवनटीन मिनट्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अलेवन हमारा कंप्लीट हो गया होप्स सो so, आपको क्लियर हो गया अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़